Now, good morning students. Last time I told you exercise 3.4 and today I tell you exercise 3.5 and 3.5 chapter 3rd mein 3.5 exercise. Now the question is find the LCM by the prime factorization method. आपको यहाँ LCM find करना है by prime factorization method से. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 24 एंड 36. 24 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करने के बाद हमने इसको 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12. 12 यहां लिखेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 6 12, तो 6 यहां लिखेंगे. फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, फिर 3 1 3. मीन्स जितने टाइम से 2 से डिविजिबल होगा उतने टाइम हम 2 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर 2 हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के बाद 5 से डिवाइड करेंगे. लास्ट टाइम क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टर्स आपको बता चुके हैं, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, इसीलिए इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है, क्योंकि इनको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है. प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 20 3, दीज आर प्राइम नंबर्स. 1 to 100 there are 25 prime numbers and 74 composite numbers, and 1 is not a prime number, not a composite number, because 1 has only one factor. 1 ke keval ek factor hota hai, one factor hota hai, isliye usko na to prime number mein bolte hain na to composite number mein bolte hain. इसलिए इसको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं. प्राइम नंबर से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 के बाद हम 2 से यदि कोई नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा तो 2 के बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से करेंगे डिविजिबल. 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो 7 से करेंगे. 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो डायरेक्ट 11 से डिवाइड करेंगे. 8 9 10 इनसे डिविजिबल नहीं होता, बिकॉज दीज आर नॉट अ प्राइम नंबर, दीज आर कंपोजिट नंबर. So, यहाँ 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया. अब 3 देखिए यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है. डिविजिबल का मीन्स वेन वी डिवाइडेड बाय 2 देन योर रिमाइंडर शुड बी 0. वेन योर रिमाइंडर शुड बी 0, आपका रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो डिविजिबल माना जाएगा. इफ योर रिमाइंडर इज एनी नंबर 1 2 3 4 7, कुछ भी आता, कोई भी नंबर आता, वो डिविजिबल नहीं है. आपका डिविजिबल वही होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा. जैसे यहां पे हमने 3 से 2 से डिवाइड करेंगे यदि 3 को, तो 2 1 2 रिमाइंडर 1 आएगा, इसलिए हम पहले 3 से डिवाइड किया, 3 1 3. फिर 36 को ऐसे सेम डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए 18 आया, 2 से डिवाइड किए तो 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किए इसको, 3 3 9, 3 1 3. अब ये प्राइम फैक्टर्स निकल, अब इनके हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. 25 फर्स्ट भी राइट हियर प्राइम फैक्टर्स, और 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड 36 प्राइम फैक्टर्स इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 24 एंड 36. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देन आफ्टर फाइंड द प्राइम फैक्टर्स वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर. तो कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो ऐसे नंबर जो दोनों में हो. देखिए यहां पे ये 2 दोनों में है, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, और 1 ये 3 का भी पेयर बन रहा है. तो फर्स्ट वी राइट हियर कॉमन फैक्टर, सीएफ मीन्स कॉमन फैक्टर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. एलसीएम में जिनका पेयर बनता है उनको हम लेते हैं, जिनका पेयर नहीं बनता है, जैसे 2 इसमें है बट अब इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें 3 नहीं है, तो एलसी यदि हमें एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ में सिर्फ जिनका पेयर बनता है उनका हम लेते हैं, बट एलसीएम में जिनका पेयर नहीं बनता है हम उनको भी यहां पे राइट करते हैं. तो 3 × 2 इनका पेयर नहीं बना इनको भी ले लिया. अब एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एल फॉर लीस्ट और लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल. मतलब इनका जो
कॉमन जो फैक्टर लिया हमने उनका जो मल्टीपल आता है वो हमारा एलसीएम कहलाता है। मल्टीपल कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 3 जा 72। ओके नाउ दिस इज योर एलसीएम। आफ्टर वंस अगेन रिपीट, आई रिपीट, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। नाउ योर एलसीएम इज 72। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन का ए का 6 है, 15, 25 एंड 30। सेम क्वेश्चन, फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी डिवाइडेड बाय फर्स्ट, वी डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 15 इज अ कंपोजिट नंबर, बट दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता। 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 15 नहीं आता, इसलिए 2 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, आफ्टर 15 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 30। अब देखिए हमने इसको 25 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड क्यों किया, क्यों, बिकॉज 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 3, ये ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमने इसको हमने 5 से डायरेक्ट डिवाइड किया। 5 जा 25, 5 1 जा 5, नाउ 30 इज डिविजिबल बाय 2, सो 15 2 जा 30, देन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। Now, then after we find the prime factors, then we find the common factor of these numbers. Common factor, first we write here prime factors, 3 multiplied by 5, 15 का हमने prime factors लिखा 3 multiplied by 5, 25 का prime factors हमने लिखा 5 multiplied by 5 and 30 का prime factors हमने लिखा 2 multiplied 3 into 5। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसे नंबर जो तीनों में हो, तो देखिए यहां 3 है, यहां इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं बनेगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये देखिए ये 1 5 5 और ये 5। अब इसके अलावा आप देखिए कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हम कॉमन फैक्टर इक्वल ओनली 5, बट ये नंबर दोनों अभी बच गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम में जो नंबर बच जाते हैं उनको भी ले लेते हैं, बट इनमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इनमें 3 नंबर है तो इनमें पहले हम 3-3 का पेयर बनाए, फिर यदि 2 का पेयर बन रहा है तो हम 2-2 का भी पेयर बना लेते हैं। ये देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 1-3 का और पेयर बन गया है तो हमने ये लिख लिया। अब इनका कोई पेयर ना बन रहा है, ना डबल का बन रहा है ना ट्रिपल का, इसलिए हम इनको लिखेंगे 5 इंटू 2, ये लिखे। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 53 जा 150। योर एलसीएम इक्वल 150। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।